सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेम जल। गेम जल के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए रैंक पुश करने का एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक लेके आ चुका हूँ, जो कि है गाइस टॉप 5 एग्रेसिव करेक्टर्स, जो कि गाइस अगर आप लेके खेलोगे तो आपका रैंक पुश होना पक्का है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने फ्री का करेक्टर्स के बारे में बताया, जो भी फ्री का करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, और गाइस जो पेड करेक्टर्स होते हैं जिसको आप डायमंड लगा कर परचेस करे हो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना हो जाएगा, फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो। और गाइस मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आप ले खेलोगे तो आपका ज़्यादा चांस रहेगा कि आप हार्ड गेम प्लस खाओगे, क्योंकि गाइस करेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके रैंक पुशिंग के लिए। और गाइस आपको पता ही होगा कि अगर कोई क्रोनो लिया जाता है, एलोक लिया जाता है तो कितना ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो गाइस आप भूले बिना जाकर हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताया था कि गाइस जो रिलीजन पे बंदे होते हैं वो भी यही कॉम्बिनेशन को लेके खेलते हैं, तभी उनका रैंक कितना ज़्यादा पुश होता है और गाइस वो ग्रैंड मास्टर में या फिर रिलीजन के उतना टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो गाइस आपको भी अगर ग्रैंड मास्टर हीरो कहीं भी पहुँचना है तो गाइस आपको अच्छे करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेना जरूरी है। तो गाइस मैं यहाँ पर रिसर्च करके आपके लिए लाया हूँ ये वाला वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस जो हमारा कॉम्बिनेशन 1 है तो गाइस वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तो गाइस कॉम्बिनेशन 1 की तरफ चलते हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट आपको आलोक मोको जय और एक मतलब फुटबॉल वाला करेक्टर होता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो गाइस आपको आलोक लेना है और उसके जो मतलब स्किल स्लॉट होता है जहाँ पे पहला स्किल स्लॉट आपको अनलॉक करना पड़ता है उसको अनलॉक करना है। उसमें गाइस आपको हैट्रिक वाला करेक्टर लेना है जो फुटबॉल वाला होता है। तो गाइस ये फ्री में मिला था। और हैकर्स आई जो मतलब मोको का है वो भी आपको लगाना है मतलब स्किल स्लॉट में, और गाइस जे का स्किल स्लॉट में एक लगा लेना है, ठीक है। तो गाइस ये तीनों एबिलिटी आपको लगा लेना है आलोक के स्किल स्लॉट में, और गाइस आपको टोटल चार मतलब चार एबिलिटी हो जाएगा। और गाइस ये चारों जो एबिलिटी है बहुत तगड़ा हो जाएगा, और गाइस आप इजीली रैंक पुश कर सकते हो इस चारों एबिलिटी को लगा के, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। तो गाइस जो हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 2 है वो है के करेक्टर, मैग्यूल करेक्टर, दासा करेक्टर और केली करेक्टर। तो गाइस यहाँ पे आपको चार करेक्टर लगेंगे। तो गाइस सबसे फर्स्ट आपको केल लेना है, उसके स्किल स्लॉट में आपको जाएगा पहला नंबर पे जो स्किल स्लॉट होता है उसमें आपको केली लगाना है, जो कि केली मतलब आपको पता है कि क्या इसका एबिलिटी है। उसके बाद गाइस उसका सेकंड एबिलिटी में आपको दासा का एबिलिटी लगाना है जो कि एक फीमेल करेक्टर है, और गाइस जो हमारा मशरूम खाने से जो मतलब मशरूम का जो ईपी रहता है उसको बढ़ाने वाला करेक्टर यानी कि मैग्यूल लगाना है आपको थर्ड में, ठीक है। तो गाइस ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन था। तो गाइस चलिए आप चलते हैं अपने तीसरे कॉम्बिनेशन में। तो गाइस जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस तीसरा कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा फ्री का करेक्टर्स के है, जिसका नाम है वुकोंग, जोसेफ, एंटोनियो और कला। गाइस चारों करेक्टर आपको फ्री में देखने को मिला है। तो गाइस सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वुकोंग लेना है, और गाइस उसके मतलब आपको स्किल स्लॉट में लगाना पड़ेगा ये वाला एंटोनियो करेक्टर का स्किल, और गाइस उसका दूसरा स्किल स्लॉट में आपको ये जोसेफ का स्किल लगाना पड़ेगा, और गाइस उसका जो तीसरा स्किल स्लॉट होता है वहाँ पे आपको क्ला का एबिलिटी लगाना पड़ेगा फिस्ट वाला। तो गाइस ये आपको जो मतलब का पूरा कॉम्बिनेशन होगा गाइस थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत तगड़ा हो जाएगा अगर आपको फ्री के करेक्टर से रैंक पुश करना है। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन नंबर 4, तो गाइस इसके लिए आपको लगेगा क्रोनो, जोटा, हयाटो और लोरा करेक्टर। तो गाइस ये चारों करेक्टर आपको होना जरूरी है चौथे कॉम्बिनेशन के लिए। तो गाइस सबसे फर्स्ट आपको क्रोनो लेना है, उसका सभी स्किल स्लॉट को अनलॉक कर लेना है, और गाइस जो पहला स्किल स्लॉट होता है जो क्रोनो का उसमें गाइस आपको एक एबिलिटी लगाना पड़ेगा जो कि होगा लोरा कैरेक्टर का एबिलिटी, शार्प शूटर एबिलिटी। और गाइस उसका दूसरा जो कि स्किल स्लॉट होता है उसमें गाइस आपको बुशीडो लगाना है जो कि हायाटो का एबिलिटी है, और गाइस तीसरा स्किल स्लॉट में आपको लगाना है जोटा का एबिलिटी। तो गाइस आपने तीनों का एबिलिटी लगा देना है क्रोनो के एबिलिटी वाला स्लॉट में, ठीक है। तो गाइस आपका टोटल चार एबिलिटी हो जाएगा, और गाइस ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है रैंक पुशिंग के लिए। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन आपके पास अगर क्रोनो है तो गाइस आप लेके जरूर से ट्राई करना, और मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि गाइस ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। तो लास्ट जो और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो गाइस जो हमारा लास्ट एंड फाइनल कॉम्बिनेशन है वो है गाइस हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 5। तो गाइस कॉम्बिनेशन नंबर 5 के लिए आपको जरूरी होगा गाइस डिमिट्री विगस करेक्टर। तो गाइस डिमिट्री विगस के साथ आपको चार करेक्टर और चाहिए, मतलब तीन करेक्टर, थीवा, मोड़ो और एक कोबड़ा के जो मतलब करेक्टर था जो फ्री में मिला था। तो गाइस डिमिट्री विगस आपको लेना है, और
उसके पहले स्किल स्लॉट में आपको लगाना पड़ेगा जो कोबरा का जो फ्री में करेक्टर मिला था वो, तो गैस उसका सेकेंड स्किल स्लॉट में आपको लगाना पड़ेगा मोड़ो का मतलब स्किल जो कि फेलको वाला होता है, तो गैस थर्ड उसका स्किल स्लॉट में आपको थीवा का जो मतलब जो भी स्किल होता है वो लगा देना पड़ेगा, और गैस उसके बाद गैस आपका जो डिमिट्री विगस करेक्टर है वो तैयार हो जाएगा, और गैस कॉम्बिनेशन नंबर 5 भी हमारा पूरा हो जाएगा जिसके साथ गैस आप इजिली रैंक पुश कर सकते हो। तो गैस ये हमारा पाँचों कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, और गैस अगर आप बोलोगे कि मतलब मुझे कैसे पता चला इस सब के बारे में, तो गैस मैंने इस मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले एक रिसर्च किया था, तो गैस मैं लीक्स एंड अपडेट्स खोज रहा था आप लोगों के लिए, तो गैस उसी वक्त मुझे मिला कि मतलब टॉप 5 मोस्ट एग्रेसिव करेक्टर्स, तो गैस उसके बाद मैंने उस पर टैप किया, और गैस उसके बाद मुझे मतलब दिखा ये वाला पेज, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला पेज जिसमें गैस आपको 5 एग्रेसिव करेक्टर के बारे में दिखाया गया है। तो गैस रैंक पुश के लिए मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो गैस वीडियो बनाने में मतलब मुझे एक दिन का टाइम लगा क्योंकि गैस लीक्स एंड अपडेट्स भी मैं खोज रहा था, तो गैस कल भी एक वीडियो आएगा जो कि लीक्स एंड अपडेट्स का होगा, तो गैस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गैस ये जितना भी मैंने बताया तो गैस ये पूरा रिसर्च के बाद पता चला है गाइस, तो गाइस इस वीडियो का लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ भूले बिना शेयर करना क्योंकि गाइस उनको भी पता चले कैसे रैंक पुश होगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। गाइस अगर आपको रैंक पुश करना है तो गाइस ये वाला कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन लेके खेलना, आपका रैंक जरूर से पुश हो जाएगा। आप हीरोइक अगर जाना चाहते हो तो हीरोइक भी जा सकते हो, ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। तो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही, नया आते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।